विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच लखनऊ के इकाना ग्राउंड में हुई बहस सोशल मीडिया पर अब भी जारी है। पूर्व खिलाड़ियों के रिएक्शन आ रहे हैं, दोनों टीमों के ट्विटर हैंडल पर वॉर चल रहा है और फैंस तो महासंग्राम छेड़े हुए हैं ही मीम्स और पोस्ट के जरिए। वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर की बहस हो रही है। दोनों के हाव भाव आक्रामक हैं, लेकिन अब तक लोग अंदाजा ही लगा रहे हैं कि दोनों खिलाड़ियों की बहस हुई तो किस बात पर। हम आपको बताते हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई के वक्त असल में बातचीत क्या हुई। लड़ाई के वक्त मौजूद एक चश्मदीद ने समाचार एजेंसी पीटीआई को कोहली गंभीर फाइट का सारा मंजर बयां किया है। चश्मदीद ने कहा कि मैच के बाद कोहली और नवीन उल हक में दोबारा कहासुनी हो गई। कोहली लगातार उनको गालियां दे रहे थे, नवीन भी जवाब दे रहे थे। मैच के बाद कोहली के पास एलएसजी के खिलाड़ी मायर्स गए। उन्होंने कहा, आप लगातार हमारी टीम को गालियां क्यों दे रहे थे, तुम मुझे घूर क्यों रहे थे। इसके बाद गंभीर मायर्स को ये कहते हुए खींचकर दूसरी तरफ ले गए, चलो अभी बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसका डर था। गौतम गंभीर और विराट कोहली आपस में उलझ पड़े। कई खिलाड़ियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गौतम गंभीर बढ़ते हुए विराट की तरफ गए और कहा, क्या बोल रहा है बोल, मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं है, आप क्यों घुस रहे हो बीच में। तूने अगर मेरे प्लेयर को बोला है मतलब तूने मेरी फैमिली को गाली दी है, तो आप अपनी फैमिली को संभाल के रखो ना, तो अब तू मुझे सिखाएगा। इसके बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और अमित मिश्रा बीच बचाव करते हैं। कोहली और गंभीर गुस्से में अपने अपने टीम कैंप्स की तरफ चले जाते हैं। इस लड़ाई पर बीसीसीआई ने सख्ती भी दिखाई है। कोहली और गंभीर पर 100% मैच फी का जुर्माना लगा। वही अफगानी खिलाड़ी नवीन उल हक पर 50% मैच फी का जुर्माना लगा। जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले खेल में ये सब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूरी बातचीत पढ़ने के बाद आपकी राय इस पूरे मामले पर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।